So hello everyone, myself Seema and welcome back to the channel. So today's topic is trigonometric equations, okay, of class 11. So in this chapter total 21 multiple choice questions are there. So aaj hum log half questions dekhenge, that is from question number 1 se leke 10th. यानी कि ये आपका trigonometric equation का first part है. Next part आ जाएगा, उसमें बाकी सारे questions रहेंगे. आरडी शर्मा बुक के, ठीक है. तो start करते हैं आज की class trigonometric equation. तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे जो आपका फॉर्मूलाज है वो सारे देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले इक्वेशन वर्ड आपको क्लियर हो रहा होगा. इक्वेशन आप पहले सुन चुके हो, कहाँ सुने थे? लीनियर इक्वेशन आपने सुना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना था, ये सारी चीजें है ना. तो इक्वेशन मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी भी आपको इक्वालिटी साइन दिख जाए, यानी इक्वल टू साइन, तो ये है इक्वेशन, ठीक है. और यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो गया. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ये सारे, ठीक है. अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 या फिर कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x, और यू कैन राइट दिस एज कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 0. So this is the equation which consists of the trigonometric ratios or you can say trigonometric functions. Okay. So definition ek bar aap read kar lo, kya hai dekho. Equation which involve trigonometric functions of unknown angles are known as trigonometric equations. I hope you got it. Aapko clear ho gaya hoga trigonometric equations kya hai. Theek hai? So dekho, koi bhi equation hai to usko solve karenge, uska kuch solution milega. ठीक है, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो उसमें x की दो वैल्यू निकलती थी ना, बिकॉज x हाईएस्ट पावर ऑफ x उसमें 2 रहता था. इन द सिमिलर वे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे ये सारे आपको इक्वेशन देख रहे हो, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कुछ इसका सोल्यूशन आएगा. मतलब कि x का एंगल आएगा, x की कौन सा एंगल है या कौन सा वैल्यू है वो आपको सोल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशन का, ठीक है. तो सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं. देखो इसमें सोल्यूशन दो टाइप का होगा, क्या क्या, एक है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक है जनरल सॉल्यूशन, ओके. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो आइदर एक या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा या तो जनरल सॉल्यूशन होगा. वो कैसे पता करें, देखो कभी भी कोई इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो उसमें जो एंगल निकलेगा, यानी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी एंगल है, आइदर यहाँ पर देख रहे हैं एक्स है या थीटा है या कुछ भी एंगल रहे, ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू इट लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यानी कि आपको कभी भी एंगल अगर इसके बीच में लाई करता अगर हो, दैट इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई, या तो 0 भी हो 2 पाई भी हो वो भी चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इट इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. गॉट इट, ओके. नाउ हियर रीड कर लो आप ये डेफिनेशन क्या है. द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x belongs to, or you can say it lies between 0 to 2 pi, then they are principal solution of that equation. Okay, principal solution clear हो गया. अब देखो questions हम लोग करेंगे ना तो उससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि principal और general solution क्या है, ठीक है. एक बार हम लोग बस ऐसे definition देख ले रहे हैं सारी चीजें की, ठीक है. So general solution ये क्या है, a solution of a trigonometric equation generalized by means of periodicity is called its general solution. अब देखो general solution it means that उसको आप n के terms में लिखोगे, so that उसमें n की कोई भी value put up करो तो उसमें सारा solution उसका मिल जाएगा, ठीक है. तो चलो तो कुछ example ले लेते हैं. suppose sin x equal to 0, ठीक है. तो देख रहे हैं ये एक trigonometric equation है, why? Because equal to का sin है तो ये एक equation है, और trigonometric functions बोलो या trigonometric ratios involved है, यानी sin है, तो यानी एक trigonometric equations है, ठीक है. तो अब बताओ अगर मैं बोलूं इसका वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू फाइंड करो मतलब आपको क्लियर हो रहा है, यानी आपको x का वैल्यू निकालना है या फिर आप बोलो x जो एंगल है वो बताना है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो x sin x इक्वल टू 0 है, RHS में क्या वैल्यू है, 0 है, मतलब कि sin कौन से डिग्री पर वो वैल्यू 0 आता है. तो आप ये बता सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है डैट sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो इससे आपका x का वैल्यू मिल गया 1 0. और क्या कोई वैल्यू एंगल होता है जिसमें साइन उसकी वैल्यू 0 आती है या होती है, क्या होता है, पाई. साइन पाई इज आल्सो इक्वल टू 0. इन द सिमिलर वे और कुछ वैल्यूज होते हैं क्या, 2 पाई, 3 पाई, लाइक दैट, बहुत सारे, जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन जो ये साइन है इसके बारे में पता है, दैट इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, है ना, यानी कि 0 से 2 पाई तक जो भी उसका वैल्यूज है वो दोबारा क्या होता है, रिपीट होता है वही सारे वैल्यूज, है ना। तो यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये सारे इसका सोल्यूशन होंगे। ओके, सो इसमें हम लोग जैसे अगर अभी तुरंत अभी डिस्कस किए थे ना, दो सोल्यूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है, एक जनरल सोल्यूशन होता है। तो बताओ अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन का, ये जो आपको इक्वेशन है इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, तो अबाउट प्रिंसिपल सोल्यूशन आपने यहाँ क्या देखा, वैसे सारे सोल्यूशन विच लाइज बिटवीन 0 to 2π, या तो 0 हो या 2π हो या इन बिटवीन दीज टू नंबर वो लाई करता हूँ। ओके, तो यहाँ बताओ क्या सारे वैल्यूज हो जाएंगे, कौन सारा सोल्यूशन हो जाएगा, ये तीन सोल्यूशन होगा, यानी 0, π, 2π। सो दीज आर द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, गॉट इट। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, दैट इट लाइज बिटवीन 0 to 2π, तो ये सारे सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। अब बताओ जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या मैंने डिस्कस किया अभी तुरंत, वो n के टर्म्स में रहेगा, यानी उसको जनरलाइज एक सोल्यूशन आपको लिख देना है, सो दैट उसमें n की वैल्यू आप कुछ भी पुट अप करो तो सारा सोल्यूशन आपको मिलता चला जाएगा। जनरल सोल्यूशन आपको क्लियर हो रहा है ना। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आप एपी वाले चैप्टर में आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने सीक्वेंस देखा था, है ना, जैसे 2, 4, 6, 8 ये आपका सीक्वेंस है। तो मैं अगर बोलूँ इसका जनरलाइज फॉर्म में बताओ, तो इसका आप बोल सकते हो इसका लास्ट नंबर क्या होगा, 2n हो सकता है। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया, मतलब कि n की वैल्यू आप कुछ भी पुट अप करो, आइदर 1, 2, 3 एनीथिंग, उसका सारा टर्म्स आपको फाइंड आउट होते जा रहा है ना। तो आपको ये क्लियर हो रहा है ना जनरलाइज फॉर्म मतलब क्या होता है, या तो आप बोलो उसका जनरलाइज सोल्यूशन। तो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो बताओ जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा इक्वेशन का, n π इज द जनरलाइज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इट मींस दैट n की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, जैसे आपको पता है इंटीजर को आइदर z से डिनोट करते हैं या तो फिर i से भी डिनोट किया जाता है। ओके, अब n की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट अप करो, 0 पुट अप करो, 1 पुट अप करो, 3, 4, 5 एनीथिंग, तो ये सारा आपको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। जैसे n की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो 0 आ गया, 1 पुट अप किए तो 1 π आ जाएगा, 2 पुट अप करोगे तो 2 आएगा। अब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू ही पुट अप करें, -1, -2 कुछ भी पुट अप करेंगे, ये प्लस माइनस है। ठीक है, यानी ये सारे वैल्यूज पर साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया ना प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन क्या होता है। ओके, कुछ और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब बताओ यहाँ पर x की कौन से एंगल पर cos, कौन से एंगल पर ये 0 आता है, आपको पता है π/2 पर, है ना, यानी कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इन दिस सिमिलर वे 3π/2 पर भी cos 3π/2 का भी वैल्यू 0 आता है। ओके, एंड इन द सिमिलर वे cos 5π/2 इसकी वैल्यू भी 0 आती है, लाइक दैट। तो दीज आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब अगेन मैं बोलूंगी, अब बताओ प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो मैंने क्या डिस्कस किया था, प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ क्या था, वैसे सारा सोल्यूशन विच लाइज बिटवीन 0 to 2π। ओके, या तो 0 भी हो सकता है, 2π भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देख रहे हैं 0 से लेकर 2π के बीच में ये लाई करना चाहिए आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, 5/2 हो सकता है, 90 डिग्री, ये देख रहे हैं इस दोनों वैल्यूज के बीच में है, और 3π/2 हो सकता है क्या, 19 into 3 = 270, या 3π/2 वी कैन टेक दिस वैल्यूज। ओके, अब 19 into 5 = 5π/2 की वैल्यू क्या है, 450 डिग्री, 19 into 5 है ना, तो ये तो नहीं है इसके बीच में, तो ये बस दो सॉल्यूशन हो गया। cos x equal to 0 जो आपका इक्वेशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो 5/2 एंड 3π/2 ये दोनों वैल्यूज हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नाउ जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो बताओ यहाँ आपका जनरल सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो पहले 1 है,
फिर 3 है, 5 है, लाइक दैट ऑड नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि आप उसका जनरलाइज फॉर्म बोले तो वी कैन राइट 2n plus 1 और pi by 2 देखो सब में है, तो 2n plus 1 pi by 2 द जनरलाइज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज cos x इक्वल टू 0. आई होप क्लियर हो क्या होगा. यहां भी क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, यानी प्लस माइनस ये सारा है, आइदर आप n की वैल्यू प्लस 1 डालो या माइनस 1 डालो तो ये सारे वैल्यूज आते चले जाएंगे, ठीक है, या तो 0 डालो तो pi by 2 आ जाएगा. क्लियर हो रहा है ना. प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में आई होप आपको अभी तक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और समझ में आ गया होगा. कोई भी अगर इक्वेशन है उसको अगर सॉल्व करते हो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन पूछा गया तो क्या होगा, ठीक है. एक और इक्वेशन देख लेते हैं, सपोज करो 10x इक्वल टू 0, ठीक है ना. आप यहां बताओ, ये इधर पे लिख देते हैं n belongs to integer, okay. So again यहाँ पर देखो 10x को आप क्या लिख सकते हो, sin x by cos x, which is equal to 0. So by this you can say that sin x equal to 0. तो again क्या देख रहे हैं, आपको ये equation आ गया ना जो first वाला अभी तुरंत हम लोग देखे थे. तो by this you can say that principal solution, आपका principal solution, अगर मैं बात करूँ principal solution of 10x, तो ये आपका 0 और 0 pi 2 pi हो जाएगा. Same आपका sin की तरह ही, इसके तरह ही साइन और टैन का दोनों का सिमिलर ही होगा, ठीक है ना. ये दोनों आई होप समझ में आ गया होगा. ये 10x का मैं यहीं पर आपको शो कर दी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सिमिलर है. ओके, ये आपका 10x हो गया. क्लियर हो रहा है ना. साइन x इक्वल टू 0 कहां से है, देखो साइन बाय कॉस इसको लिख सकते हैं ना. तो यहां पर देख रहे हैं साइन x इक्वल टू 0. सो बाय दिस वी कैन से दैट प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू 0, इसका भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेम होगा 0 पाई 2 पाई, जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो n पाई. ओके, क्लियर है. सो देखो ये सारी जो इक्वेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका एक फार्मूला ही है, ठीक है. कभी भी आपको इक्वेशन दिख जाए ना, ये sin x इक्वल टू 0, अब एंगल जरूरी नहीं है x ही हो, थीटा हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर कि इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो वो n पाई है, ठीक है. तो ये आपको याद रखना होगा, याद करने की जरूरत नहीं है आपको. आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा, है ना. सो cos x इक्वल टू 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो 2n plus 1 pi by 2, 10x का n पाई ही होता है ये वाला, ठीक है ना. तो आई होप ये तीनों फॉर्मूलाज बोलो या तो बोलो इक्वेशन, ये दोनों फॉर्मूलाज ही है जो आपको याद करनी थी. याद करने की वजह से मैंने बताया ना, जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है ये आपका साइन एक्स, ये आपका नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो यहाँ अभी तक हम लोग देखें RHS वाली साइड में 0 है या कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू रहता है तब की बात है ना. अगर मान लो इस टाइप का है आपका इक्वेशन, ठीक है ना, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऑन दैट केस जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी कि आप थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा. ओके, तो ये सारी चीजें भी आपको जनरल सॉल्यूशन याद रखनी है. इन द सिमिलर वे कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस अल्फा. एंड व्हेन टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा है, ऑन दैट केस थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा. ओके, तो बिल्कुल बहुत इजी है जनरल सॉल्यूशन, आप एक बार अच्छे से देख लो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये सारे आपके फॉर्मूलाज हो गए, जैसे मैंने अभी तुरंत सारे आपको डिस्कस कर दिया था. देखो ये फर्स्ट तीन आपको आई होप समझ में आ गया होगा. देखो साइन और टैन का दोनों का सेम है. आपको जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो कॉस का भी आपको क्लियर हो गया था, 2n plus 1 pi by 2, और ये हो गया आपका साइन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है ना, cos theta equals to cos alpha, on that case ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया. और tan theta का ये वाला, ये वन मोर थिंग, ये वाला लास्ट वाला देखो क्या है, अगर कभी भी sin square theta, I hope if clearly आपको visible होगा, sin square theta is equal to sin square alpha, इस तरह से आपको इक्वेशन कहीं दिख जाए, आपको यहाँ क्या निकालना, सॉल्यूशन फाइंड करना, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी, एंगल फाइंड आउट करना, ऑन दैट केस थीटा इक्वल टू उसका जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा. ठीक है, देखो ये आपका जो जनरल सॉल्यूशन है ना, ये तीनों के लिए सेम है, तीनों के लिए मतलब कि
ये साइन वाले के लिए भी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहेगा तब की बात भी, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा रहेगा ये भी, और अगर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा रहेगा ऑन दैट केस तब भी इसका तीनों का जनरल सोल्यूशन यही होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये सारे आपके फॉर्मुलाज हो गए ये चैप्टर का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर आइडिया थोड़ा बहुत हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आके है क्या और उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। थीटा जो भी आपका इक्वेशन रहेगा, एंगल फाइंड आउट करते हैं यानी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। समझ में आ गया ना? चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आर डी शर्मा का दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर डी शर्मा बुक क्लास 11, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि मैं इसमें 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करूंगी, उसका सोल्यूशन मैं आप डिस्कस करूंगी और बाकी जो आपके रेस्ट क्वेश्चन बच गए दैट इज सम क्वेश्चन 11 to 21 वो एक आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, देखो ये आपका इक्वेशन गिवन है एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी। ठीक है, सो देखो इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देख रहे हैं आपको कोई इक्वेशन दिया गया है, समझ रहे हो इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन टैन के टर्म्स में है और इक्वल टू का साइन है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी इसका सोल्यूशन बताना है। ठीक है, ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने जो ये फॉर्मूलास देखा, अगर देखो LHS वाले साइड में जितने भी आपको इक्वेशंस दिख रहे हैं ना, अगर वो उस फॉर्म में रहता तो डायरेक्ट आप थीटा की वैल्यू जो आपका फॉर्मूलाज है जनरलाइज फॉर्म में ये सारे ये पुट अप कर देते। यहाँ तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन है आपको इस फॉर्मूला के टर्म्स में लाना होगा सो डैट उसका आप जनरलाइज फॉर्म में यूज कर सको। ठीक है, आपको आई होप थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया हो रहा होगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो रूट थ्री देखो cot x को आप क्या लिख सकते हो, sin x by cos x। ठीक है, देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या फिर इससे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व किए थे ना, जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, कभी भी tan, cot, cos sec ये सारे टर्म्स में होना तो क्या करो डायरेक्ट उसको साइन और कॉस में चेंज कर दो, सो डैट आपका क्वेश्चन उसमें बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहले इससे भी होना चाहिए साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, tan को क्या लिख सकते हो आप, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, देखो यहाँ पर आपका कॉट है ना, तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और यहाँ देखो साइन को टेन को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ओके, एंड विच इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सिंपल वी कैन टेक एलसीएम, ओके, सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके, एंड विच इज इक्वल टू 4/√3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट आपका न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद करो, इसकी वैल्यू तो 1 होती है तो डायरेक्ट 1 पुट अप कर दिया, ओके, दिस विल बी 1/sin(x) इंटू कॉस एक्स एंड विच इज इक्वल टू 4/√3, ओके। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सिंपल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3 = 4 sin(x) × cos(x), ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो आपको 4 sin(x) × cos(x) है ना, तो आपको ये याद होगा क्या, यहाँ पर देखो आपको ये याद होगा साइन 2x की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 sin(x) × cos(x), ठीक है, तो यहाँ पर यही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, रूट 3 = देखो 2 sin(x) × cos(x) को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2x, सो x से एक 2 बच गया तो 2 × sin(2x), ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, साइन 2x = आपको क्या मिल गया, 3/2, ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x = यहाँ देखो 3/2, अब बताओ साइन कौन से वैल्यू पर 3/2 आता है वैल्यू, 60° पर यानी कि π/3 पर, ओके, सो वी कैन राइट 3/2 = sin π/3। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज आपने देखा है क्या, अभी तुरंत आपने देखा ना ये वाला, ये वाला फर्स्ट वाला देखो,
when sine theta is equal to sine alpha, on that case theta is equals to n pi plus minus 1 to the power n alpha. यही वाले हम अप्लाई करेंगे. देख रहे हैं आपका ये वाला इसी फॉर्म में है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. तो उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला. मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में है. ओके, इस फॉर्म में है ना. तो ऑन डैट केस आप बताओ थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी. थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा. ओके, तो यहाँ आप बताओ थीटा आपका तो 2x है, थीटा की वैल्यू क्या है, 2x है ना. तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन. अब अल्फा एंगल क्या है, यानी ये दूसरा वाला आप एंगल देखो, यहाँ पर पाई बाई 3 है. तो यहाँ आप डायरेक्ट पाई बाई 3 पुट अप कर दो. ठीक है, तो इससे आपको x की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, एन पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई, यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाई 2 करें तो दिस विल बी बाई 6. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. So, देखो अगर आपको क्वेश्चन में बोलता ना कि ये गिवन इक्वेशन का आप जनरलाइज्ड फॉर्म निकालो, यानी जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, इट मींस दैट यू हैव टू पुट एन इक्वल टू जीरो. ओके, तो एन इक्वल टू जीरो अगर पुट अप करते हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला टर्म तो आपका जीरो हो गया खत्म. और माइनस 1 टू द पावर एन, यानी माइनस 1 टू द पावर जीरो, एज यू ऑलरेडी नो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1. So the value of x, or you can say the angle x, is equal to pi by 6. So this is the answer of the given question, pi by 6. Okay. So options आप check कर लो, pi by 6 देखो कौन से options में है. यहाँ पर देख रहे हैं. Option number C is the correct answer of this question. Okay. So option number C is the correct answer. I hope ये clear हो गया होगा. तो देखो क्या किया हमने इस question में, कोई भी आपका equation given हो, सबसे पहले उसको simplify करके solve करके आपको either sin theta equal to sin alpha के फॉर्म में ले आना, यानी कि आपको ये जो फॉर्मूलाज देखा ना इसके फॉर्म में ले आना है, सो दैट उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्म, आपने जो फॉर्मूला यहाँ पर देखा है वो अप्लाई कर सको और ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू एंड दीज आर दी ऑप्शंस ए बी सी डी. ओके, सो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो ये आपका इक्वेशन है, यहाँ पर अगेन देख रहे हैं आपको एक्स की वैल्यू निकाली है, यानी एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, सो देखो अभी जो आपने ये क्वेश्चंस देखा तो उसको जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करके जो आपको फॉर्मूलाज हैं ये सारे इसके फॉर्म में ले आए, सो डैट आपको जनरलाइज सॉल्यूशन आपको पता ही है, आपको याद हो गया होगा, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो. नाउ यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये आप बुक में मार्क कर लो, या फिर आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको ये याद रखना है जो अभी मैं आपको स्टेप बताने वाली हूँ, उस स्टेप से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको जो गिवन इक्वेशन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म में है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी. ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख जाए, दैट इज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर बोथ द इक्वेशन, कंपेयर करो दोनों में, ए की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गया, 1. cos theta का कोफिशियंट देखो, या cos x का कोफिशियंट 1 है. इन द सिमिलर वे b का कोफिशियंट देखो, आई मीन टू से sin x का कोफिशियंट देखो, b की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2, 3, और c की वैल्यू 2. क्लियर हो गया, a b c आपको ये तीनों वैल्यूज मिल गया. ओके, नाउ सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, a की वैल्यू आपको कुछ लेट करना हो, क्या लेट करना होगा, a इक्वल टू r cos alpha एंड b इक्वल टू r sin alpha. ठीक है, तो ये आपको अभी कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा ऐसा हम लोग क्यों सपोज कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो यह आर क्या है, आर कुछ नहीं है, आर इक्वल टू है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ऑफ पुट अप करो ए और बी का, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर किया, यानी 3 √4 विच इज इक्वल टू 2, यानी आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप अल्फा जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल हम लोग बी बाई ए करेंगे. बी बाई ए मतलब कि देखो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा किया तो ये आपका 10 अल्फा आ गया, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एलएचएस वाला साइड में देखो बी बाई ए है ना, और बी बाई ए की तो आपको वैल्यू ऑलरेडी पता ही है क्या है, √3/1. ओके, सो यहाँ से आप देखो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई ना, बताओ टेन अल्फा इज इक्वल टू √3 है, तो टेन के कौन से वैल्यू पर वो √3 आता है, 60 डिग्री पर,
यानी कि पाई बाई थ्री। ओके, तो यहां से आपको एक एंगल मिल गया टैन अल्फा, आई मीन टू से अल्फा इक्वल टू पाई बाई थ्री। आई होप आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना। पहला स्टेप क्या हमने देखा कि देख रहे हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ से आपको कोफिशियंट आप कंपेयर किए तो ए बी सी आपको वैल्यू मिल गया, आर भी वैल्यू मिल गया, आर इक्वल टू टू, उसके बाद हम लोग अल्फा भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब इक्वेशन देखो, देखो यहाँ आप ए को क्या लेट किए हो, ए की वैल्यू वन है, वन इक्वल टू है ना, ए की वैल्यू क्या लेट किए थे, आर कॉस अल्फा। अब ये क्वेश्चन में अपुट अप करो, क्या होगा पहला में आर कॉस अल्फा, उसमें मल्टीप्लाई में क्या है कॉस एक्स है। अब रूट थ्री जो है, रूट थ्री क्या लेट किए थे, रूट थ्री था बी, बी क्या लेट किए हो आर साइन अल्फा, तो आर साइन अल्फा लिख दिए और इंटू साइन एक्स एंड विच इज इक्वल टू टू। आपको ये इक्वेशन क्लियर हो रहा है ना, जो भी आपका क्वेश्चन है ए और बी आपने जो लेट किया है वो सिंपली हमने पुटअप किया है, ठीक है। तो ये देखो आपको ये इक्वेशन आ गया ना, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो, देखो आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, जैसे अभी तुरंत हमने फाइंड आउट किया है आर इक्वल टू टू, सो यहाँ पर टू कॉमन लेते हैं, टू तो आपका सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको रिमेनिंग क्या बचेगा, इस तरह से बचेगा कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स इंटू साइन अल्फा एंड विच इज इक्वल टू वन। वन कहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ देखो आर की वैल्यू टू थी ना ऐसे करके, और इधर भी आपका टू था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये वन हो गया। तो आप अगेन देखो ये जो आपका गिवन जो इक्वेशन है ये आप किस फॉर्म में आ गया, अब बताओ ये आप प्रीवियसली जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हो उसमें याद होगा आपको, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस ऑफ अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू वन। क्लियर हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस ऑफ बी। ओके, नाउ अल्फा, अल्फा की वैल्यू अभी तुरंत हमने फाइंड आउट किया है क्या, पाई बाई थ्री, तो अल्फा की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, दैट इज कॉस एक्स माइनस ऑफ पाई बाई थ्री एंड विच इज इक्वल टू वन। अभी जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो गिवन था उसको हमने सिंपलीफाई किया, तो देख रहे हैं आपका सिंपल आ गया ना इस एक फॉर्म में, आप देखो ये सिंपल आपका इस फॉर्म में आ गया ना, जो अभी आपने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के अगर फॉर्म में कभी भी कोई इक्वेशन दिखे तो इसका जनरल फॉर्म आपने क्या देखा था, थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा। ये आपको क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ मैं आपको शो भी कर देती हूँ, देखो ये सेकेंड वाला आप देखो जनरल सोल्यूशन अभी तुरंत आपने देखा ना, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा रहेगा, उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है 2n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे इस सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो देख रहे हैं यहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल ये है आपका x माइनस ऑफ पाई बाई थ्री। तो जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था ना, जरूरी नहीं है वो थीटा ही रहे या x ही रहे, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं एंगल आपका x माइनस पाई बाई थ्री है। ओके, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ देख रहे वन है। अब बताओ cos, cos कौन से वैल्यू पर वन आता है, वैल्यू कॉस जीरो डिग्री पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं इट इज कॉस जीरो डिग्री, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा यानी एंगल आपका क्या है जीरो है, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा टू एन पाई और ये आ जाएगा प्लस पाई बाई थ्री, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखो आपको x की वैल्यू जो है आपको गिवन जो ऑप्शन है पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री इस फॉर्म में है ना, तो यानी कि आपका अगर जनरलाइज फॉर्म बोलता तो ये आपका आंसर हो जाता। इसमें अगर देख रहे हैं ये पाई बाई थ्री इस फॉर्म में, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जैसे मैंने प्रीवियसली भी क्वेश्चन नंबर वन में लोएस्ट वैल्यू लिए थे ना स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसमें डायरेक्ट क्या करना है एन की वैल्यू जीरो पुट अप कर दो, तो वेन एन इक्वल टू जीरो एन की अगर वैल्यू है जीरो पुट अप करते हैं तो बताओ एक्स क्या फाइंड आउट होगा, या जीरो पुट अप करिए यानी पाई बाई थ्री। ओके, सो पाई बाई थ्री इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। सो पाई बाई थ्री अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, दैट इज दिस वन। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, आई होप ये क्लियर होगा, हो गया होगा। और मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपको कभी भी इस टाइप का इक्वेशंस देखे व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ए बी सी आप देख लेना दोनों को कंपेयर करके कोफिशिएंट, उसके बाद ये लेट किए हैं जैसे ये आप देख लो, उससे आपका ये एंगल निकल के आर की वैल्यू मिल गई। अब जो भी इक्वेशन है उसमें ये सारा वैल्यू सब पुट अप कर रही हूँ। ओके, आई होप सारे स्टेप अभी तक क्लियर हो गए होंगे, तो आप ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना दो बार, बाकी और इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी दिखे आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, अब यहाँ देखो क्या है,
आपको अगेन एक इक्वेशन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर्म अ सीरीज. ओके नाउ ये भी आपका नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो आपको थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको बताना है जो भी आपका एंगल आएगा ना, यानी जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, या फिर आप बोलो अच्छा यहाँ पर कुछ, यहाँ देखो एक्स एंगल है ना, तो ये भी एक्स ही होगा, कुछ मिस्टेक हो गया होगा है ना. तो देखो तो एक्स यानी एंगल का जो भी आपका वैल्यूज आएगा ना, तो आपको बताना है आइदर वो एपी सीरीज है या जीपी सीरीज या एचपी या फिर नन ऑफ दिस. एपी जीपी आपको क्लियर होगा, हो रहा होगा. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके सो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करें. तो सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद सॉल्व करके जो भी आपका जनरल सोल्यूशन आएगा ना, जैसे ये आ गया, उसमें इनकी वैल्यू जरूर पुटअप करेंगे, 1 2 3 इस तरह से पुटअप करेंगे, तो उससे आपको सोल्यूशन आते जाएगा. सोल्यूशन में फिर चेक कर लेंगे वेदर इट इज इन एपी जीपी और एचपी. ठीक है, एपी सीरीज कैसे पता चलेगा, मतलब कि डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे. तो जीपी पे आपने क्या पढ़ा था, रेशियोज कॉन्स्टेंट रहते हैं, यानी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म. उसी तरह से एचपी भी देख लेंगे है ना. तो सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करते हैं. तो देखो सो यहाँ पर देखो tan px माइनस ऑफ tan qx इक्वल टू जीरो है, और tan को आप क्या लिख सकते हो, sin by cos लिख सकते हैं, तो sin px by cos px. ओके एंड माइनस ऑफ इसको भी क्या लिखेंगे, sin qx by cos qx एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. ओके नाउ सिंपली LCM ले लेते हैं, सो दिस विल बी sin px इनटू cos qx. ओके एंड माइनस ऑफ sin qx into cos px and this is equal to 0. ठीक है, so now again ये वाली क्या करते हैं, इसको RHS में ले जाते हैं, तो this will be sin px cos qx and which is equal to sin qx cos px. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है. अब बताओ इसको, अब नेक्स्ट स्टेप अब क्या होना चाहिए. तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखो 2 साइन ए कॉस बी वाला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ओके सो दिस विल बी 2 साइन, अब बताओ यहाँ मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिख देती हूँ, क्या फॉर्मूला था, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी. ओके और प्लस में क्या रहता है, साइन ए माइनस बी सिंपली. ओके सो सिंपली हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, देख रहे हैं आरएचएस में भी अप्लाई कर सकते हैं, एलएचएस में भी, दोनों साइड में. ठीक है, सो अब बताओ नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर आप बताओ. ओके दिस विल बी, यहाँ देखो एक काम करते हैं, देखो 2 तो यहाँ पर है नहीं, तो 2 से सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, सो डैट वो कैंसिल हो जाएगा, तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई दोनों साइड किए. ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी, बताओ क्या हो जाएगा. सबसे पहले LHS वाले पार्ट को देखो, ठीक है, एंगल ए एंगल क्या है, PX है, दूसरा एंगल B क्या है, QX है. तो सबसे पहले क्या है, साइन ए प्लस बी, सो दिस विल बी, एक काम करते हैं X कॉमन ले लेते हैं इन बोथ. ओके क्योंकि X देख रहे दोनों में है, एंड प्लस साइन ए माइनस बी होगा, यानी कि दोनों को माइनस कर देना है. ठीक, ओके नेक्स्ट, ये तो आपका LHS वाला पार्ट लिखे. नाउ अगेन इन द RHS ऑल्सो वी कैन टेक x as common, so this will be sin q plus p into x, और plus में क्या रहेगा, again sin q minus p into x. I hope यहाँ तक clear है. okay now यहाँ देखो p plus q और यहाँ भी p plus q वाला term है, तो दोनों side similar है, तो cancel कर दिया. okay so तो आपका remaining term क्या आ गया बताओ, यहाँ पर sin p minus of q x and which is equal to, यहाँ आप देखो q minus of p है. ओके सो वी कैन टेक माइनस कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन पी माइनस क्यू के टर्म्स में आ गया ना. अब देखो दोनों साइड सिमिलर है अगेन, तो क्या करो, आरएचएस वाले को एलएचएस मिला, सो दिस विल बी 2 साइन पी माइनस ऑफ क्यू एक्स हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए सिंपली. ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, पी माइनस क्यू ओके एक्स एंड विच इज इक्वल टू जीरो. अब बताओ ये तो सिंप्लीफाई होके आपका आ गया ना, कौन सा फॉर्म आया बताओ, आपको कुछ याद आ रहा है इससे, क्या आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो के टर्म्स में आया, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, एन पाई. तो सबसे पहले मैंने जो फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था, ठीक है, तो यहाँ बताओ आपको एंगल क्या मिल जाएगा, पी माइनस ऑफ क्यू एक्स
which is equal to n pi. यहाँ आपको क्लियर हो रहा है ना, देखो साइन थीटा इक्वल टू जीरो जब भी रहता है देन थीटा इक्वल टू एन पाई रहता है, आपने ये पढ़ा है जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर वही चीज देख रहे हैं। आपका एंगल क्या है देखो, पी माइनस ऑफ क्यू इंटू एक्स, ठीक है, तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से आपको देखो एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, यानी एंगल मिल गया, दैट इज एन पाई बाई पी माइनस ऑफ क्यू। ओके, अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो यहाँ तक आप रहने देते हैं, ये आंसर। ओके, नाउ यहाँ आंसर तो वो बोला नहीं गया है, बोला गया क्या, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर्म अ सीरीज इन, तो कौन सा आपको सीरीज होगा ये बताना है। तो यहाँ क्या करेंगे, एन की वैल्यू हम लोग पुट अप करेंगे, 1 2 3 4 ये सारे चेक कर लेते हैं कौन सा सीरीज फॉर्म होगा। ओके, तो सबसे पहले एन की वैल्यू अगर हम जब 1 पुट अप करते हैं तो बताओ एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई पी माइनस ऑफ क्यू। ओके, अगेन 2 पुट अप करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई बाई पी माइनस ऑफ क्यू। एक और टर्म निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं, सो एक्स विल बी 3 पाई बाई पी माइनस ऑफ क्यू। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, चेक करना है ये जो आपका सीरीज फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये सारा आपको जो सॉल्यूशन आ रहा है ये कौन सा सीरीज है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, एपी में है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो d1 निकाल लेते हैं। तो बताओ डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म यानी माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, सो दिस विल बी 2 पाई बाई पी माइनस ऑफ क्यू एंड माइनस ऑफ पाई बाई पी माइनस ऑफ क्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई पी माइनस ऑफ क्यू। ठीक है, अब और एक डिफरेंस निकाल लेते हैं, देख रहे हैं अगर दोनों सेम होगा तो बोल देंगे दैट द गिवन सीरीज इट इज एन एपी। ओके, सो थर्ड टर्म यहाँ देखो 3 पाई बाई पी माइनस ऑफ क्यू है एंड माइनस ऑफ 2 पाई बाई पी माइनस ऑफ क्यू, दोनों को अगेन एलसीएम लिए सॉल्व किए, सो दिस विल बी पाई बाई पी माइनस क्यू। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट है ना, डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट बोलो या डिफरेंस इज सेम, सो बाय दिस वी कैन से दैट द सीरीज इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, एज डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, सो बाय दिस वी कैन कंक्लूड that the given series is in arithmetic progression, so option number A is the correct answer. Okay, I hope ye question clear ho gaya hoga, so option number A is the answer of this question number 3. theek hai, I hope ye clear ho gaya hoga, aur yahan dekho ye sare formulas ab jitne bhi previously maine karaya tha na sara ek bar recall kar lena, sara revise kar lena. theek hai, so ab next question pe badhte hain, question number, so now question number 4, तो ये भी question देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हैं आपको एक equation given है and these are the options A B C D. okay, so now how to solve this. okay, so here you can see A is any real number, the number of roots of roots find out करना है, यानी वही x की value बतानी in the first quadrant is, तो आपको ये बताना है इसका जो x की जो भी value आएगी ना उसमें बताना है कि वो कौन सा ऐसा value जो first quadrant में lie करता हो, कितने रूट्स इसका फाइंड आउट होंगे, आइदर 2, 0 या 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो अगेन, यहाँ देखो कॉर्टेक्स को वी कैन राइट एज 1/10x लिख सकते हैं एंड माइनस ऑफ 10x इज देयर व्हिच इज इक्वल टू ए, सो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, दिस विल बी 10^2x एंड डिवाइड बाई 10x को आरएचएस में भेज दिया तो a इंटू 10x। ओके, तो सिंपली इसको सारे टर्म को आपको आर एच एस में अगर लिख देते हैं तो दिस विल बी 10^2x प्लस 8x माइनस ऑफ 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो सिंपल देख रहे हैं ना, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ 10x, ये इस फॉर्म में है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, अगर हम लोग एक्स की जगह में 10x लिख दें तब, ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया ना। तो देखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपली इन टर्म्स ऑफ 10x है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सो बाय दिस वी कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट जिसमें फाइंड आउट करते थे, जिसमें फाइंड आउट करते थे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाय 2a, वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, उससे जैसे रूट फाइंड आउट कर रहे थे वही वाला इसमें अप्लाई करने वाले, सो दिस विल बी बताओ 10x is equal to minus of b, है ना, यानी coefficient देखो a है, minus of a plus minus root over b square, यानी कि a square minus of 4ac, a की value तो 1 है, c है आपका minus of 1,
एंड डिवाइडेड बाई 2 into 8. ओके, सो ये आपका सोल्यूशन आ गया 10x इक्वल टू, है ना, दैट इज माइनस ऑफ a प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2 एंड 10x इक्वल टू दिस वन. सो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया था, क्या था कि नंबर ऑफ रूट्स बताना है विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना. तो यहाँ पर दो रूट आएगा, दो वैल्यू आएगा ना, एक बार प्लस करेंगे तब एक वैल्यू, एक बार माइनस करेंगे तब एक वैल्यू. तो नंबर ऑफ रूट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप क्या पता है कि ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो बाय दिस नंबर ऑफ रूट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस विल बी इक्वल टू, क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, है ना, यानी कि माइनस ऑफ ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, ये आपका आंसर होगा, है ना. तो ये आपको बोला गया है क्या, नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, नहीं, बोला गया है कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं, है ना. तो एक ही वैल्यू आएगा ना, ये 1, तो 1 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. तो देखो हमने यहाँ पर जो भी आपका इक्वेशन था इसको सॉल्व किया, देखा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो देखते हैं ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना इन टर्म्स ऑफ 10x. तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला रूल अप्लाई किया, जैसे आपको पता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये वाला, ठीक है, ओके. सो यहाँ पर देख रहे हैं आपका दो रूट आया, एक प्लस करेंगे तब की बात, एक माइनस करेंगे तब की बात. तो यहाँ बोला गया वो रूट्स आपको बताना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना हो तो एक ही वैल्यू आएगा, यानी एक ही रूट निकलेगा. तो कितने नंबर ऑफ रूट्स हो गए, 1. तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, यानी एन के टर्म्स होगा, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी. ओके, एंड ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया. अब इसको देखो कैसे सॉल्व करें, है ना. सो देखो यहाँ 7 cos स्क्वायर x प्लस 3, देखो वी कैन राइट sin स्क्वायर x एज 1 माइनस cos स्क्वायर x. क्यों, आपको पता है क्यों, ऐसा क्यों लिखेंगे, बिकॉज एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एज यू ऑलरेडी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है ना. तो इसलिए sin की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x. ओके, दिस विल बी इक्वल टू 4. सो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर देखो ये आ गया 7 cos स्क्वायर x प्लस 3 माइनस ऑफ 3 cos स्क्वायर x एंड विच इज इक्वल टू 4. ओके, नाउ 7 माइनस ऑफ 3 किया तो ये आ गया 4. देखो ये नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इक्वल टू, यहाँ पर देखो 7 माइनस ऑफ 3 दैट इज 4 cos स्क्वायर x. ओके, एंड प्लस 3 इक्वल टू 4. ओके, अब देखो दोनों साइड में 4 है ना, तो 4 वी कैन टेक एज कॉमन ले लेते हैं. तो 3 इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया, दैट इज 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x. ओके, सो 1 माइनस cos स्क्वायर x एज यू ऑलरेडी नो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन होती है, ठीक है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बाय 4 इक्वल टू sin स्क्वायर x. ओके, नाउ अगेन व्हाट यू हैव टू डू, sin x इक्वल टू आपको क्या मिल गया, स्क्वायर था ना, स्क्वायर रूट हो गया, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, देख रहे हैं आपको जो गिवन क्वेश्चन था सिंप्लीफाई करके, अब ये आ गया, अब इसका जनरल सॉल्यूशन यू कैन फाइंड आउट बाय द फॉर्मूलास दैट यू ऑलरेडी नो. ओके, सो यहाँ देखो रूट 3 बाय 2 है, एज यू ऑलरेडी नो द वैल्यू, साइन कौन से वैल्यू पर रूट 3 बाय 2 आता है, 60 डिग्री पर, इट मीन्स दैट पाई बाई 3. तो वी कैन राइट दिस एज साइन पाई बाई 3. ओके, सो नाउ अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, और आप फॉर्मूला जैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 है. तो दिस इज द आंसर प्लस माइनस, तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ओके, सो इफ यू सी द ऑप्शंस देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर सी. ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा. तो सिंपली जनरल सॉल्यूशन था, तो सारे फॉर्मूलास एक बार मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आप सारे रिवाइज कर लेना. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी. ओके, नाउ अगेन इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, हियर यू कैन सी द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज गिवन. ओके, इट लाइज इन द इंटरवल. ओके, देखो
अभी तक आपने देखा कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था किसी में बोला जा रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कितने नंबर ऑफ रूट्स थे, वो सारे क्वेश्चंस देखते हुए आए. ओके, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन में क्या है, देखो गिवन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है लाइज इन द इंटरवल, यानी आपका जो भी आपका एक्स का वैल्यू आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, वो बताना है कौन से इंटरवल पे लाई करेगा. तो दीज आर, जैसे देख रहे हैं माइनस ऑफ पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच में एक्स की वैल्यू आ रही है, या फिर पाई बाय फोर या थ्री पाई बाय फोर के बीच में, तो वो चीज आपको इसमें चेक करना है. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस अगेन, व्हाट यू हैव टू, सिंपल वी कैन राइट कॉस स्क्वायर एक्स एज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट यू ऑलरेडी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है. तो कॉस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में साइन एक्स आएगा प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. सो यहाँ पर देखो सारी चीज को आप आर एच एस में ले जाओ, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स और ये हो गया माइनस ऑफ टू, दिस विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, सो अगेन क्या देख रहे हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, तो वी कैन अगेन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज साइन एक्स इक्वल टू क्या पढ़े हो, माइनस ऑफ बी यानी माइनस वन, नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज वन, माइनस ऑफ फोर ए सी दैट इज माइनस ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. सो साइन एक्स की आपको क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ पर आप देख लो रूट चेक कर लो, सो माइनस माइनस प्लस फोर टू एट नाइन आएगा, प्लस माइनस एंड डिवाइडेड बाई टू. सो इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो साइन एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, वन प्लस माइनस थ्री बाई टू, यानी एक बार आपको प्लस करना है ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, तो उससे आपको दो वैल्यू मिल जाएगी. सो देख लेते हैं, सो साइन एक्स इक्वल टू एक बार आप ऐड कर लो, थ्री प्लस वन दैट इज फोर बाई टू दैट इज टू. ओके, और एक दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा, वन माइनस ऑफ थ्री दैट इज माइनस ऑफ टू बाई टू दैट इज माइनस ऑफ वन. ओके, तो यहाँ पर आप बताओ ये वाला जो आपको वैल्यू है साइन एक्स इक्वल टू टू, ठीक है, तो इज इट पॉसिबल, नो वाई. सो देखो साइन एक्स का आपको कोई ऐसा एंगल पता है जिसकी वैल्यू उसमें टू आती हो, नहीं ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ओके, सो नेक्स्ट देखो आपको यही कंसिडर करना होगा दैट साइन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वन. अब देखो साइन कौन से वैल्यू पर माइनस वन आता है, दैट इज एज यू ऑलरेडी नो साइन थ्री पाई बाई टू पर साइन की वैल्यू वन आती है, ठीक है, तो ये हो गया साइन थ्री पाई बाई टू. ओके, सो देखो आपको सिंपल ये इस फॉर्म में आ गया ना, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में, तो बताओ इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर बताओ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन, अल्फा रहता था, अल्फा क्या आ गया आपका थ्री पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू हो गया है, ठीक है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन इक्वेशन. अगर आपको इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता तो ये हो गया. अब आपको पूछा क्या गया है, जो सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट हुआ है इट लाइज इन विच इंटरवल, देख रहे हैं थ्री पाई बाई टू है, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन थ्री पाई बाई टू, यानी कि आपको जो सॉल्यूशन है इट लाइज इन थर्ड और फोर्थ इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये कैसे आपको क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर देखो यहाँ अगर एन की वैल्यू जीरो पुट अप करते हैं तो यही आपको बचेगा थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू मतलब नाइनटी इंटू थ्री टू सेवेंटी डिग्री, ठीक है, या तो आप वन पुट अप करो टू पुट अप करो कोई नेगेटिव, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन की कोई भी वैल्यू पुट अप करोगे, इससे आपको ये क्लियर हो गया दैट इज जो सॉल्यूशन है इट लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ इंटरवल, ठीक है. तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो थर्ड और फोर्थ इंटरवल में आपको यही आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ एक्स लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, एक मिनट. सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स. सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन. ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी. ओके, अब यहाँ देखो अगेन आपको यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बने, अब क्या करना है आपको देखो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन जीरो टू पाई बाई टू ऑफ द इक्वेशन. ओके, देखो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ठीक है. अब
नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सारे सॉल्यूशन को आपको काउंट करना है जो 0 to 582 के बीच में है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करके बताना है कितना, आइदर 5 है, 7 है या 6 है या नन ऑफ दिस। ओके, तो देखते हैं। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करें। यहाँ देखो आप cos 3x को वी कैन राइट दिस एज cos 5x माइनस ऑफ 2x लिख सकते हैं। 3x को वी कैन सिंपली राइट 5x माइनस ऑफ 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ आप देख रहे हैं 10 5x है, तो सिंपली 10 5x को एज इट इज रहने देते हैं। ओके, एंड इन द RHS पार्ट अगेन हियर यू कैन सी 7x इज देयर, वी सो वी कैन राइट 5x प्लस 2x। ओके, अब यहाँ देखो दिस विल बी 10 5x इक्वल टू साइन 5x प्लस 2x एंड डिवाइडेड बाई कॉस 5x माइनस ऑफ 2x। ओके, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। सिंपली कुछ नहीं है, ये कॉस वाले टर्म को RHS में सिंपली डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई में था LHS में, ठीक है। सो अब क्या किया जाए, यहाँ देखो 10 5x को अगेन इसको भी साइन बाई कॉस के टर्म में लिख लेते हैं, सो दिस विल बी साइन 5x बाई कॉस 5x, ठीक है। अब यहाँ देखो आपका RHS साइड में अगेन क्या देख रहे हैं, यहाँ आपको फॉर्मूला याद आ रहा है ये वाला, ये दोनों के लिए क्या था, साइन ए प्लस बी, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला क्या था बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखो यहाँ साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, तो सिंपली वी कैन राइट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किए। अब नेक्स्ट अगेन इन द डेनोमेटर पार्ट में भी अगेन क्या देख रहे हैं, कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में, तो आप फिर से फॉर्मूला याद करो क्या था, कॉस ए यानी 5x, कॉस बी यानी कॉस 2x। ओके, अब यहाँ देखो नेगेटिव है ना, माइनस है, तो यहाँ प्लस होगा, आपको याद होगा मैंने बताया था कॉस वाले केस में आप ध्यान रखना, ठीक है। सो ये हो गया साइन ए इंटू साइन बी, दैट इज साइन 2x। ओके, अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या किया जाए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बताओ दिस विल बी साइन 5x, ओके, कॉस 5x इंटू कॉस 2x, एंड प्लस में क्या रहेगा, साइन 5x, और यहाँ भी ये वाला टर्म है, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर 5x और साइन 2x। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ओके, अब नेक्स्ट देखो कॉस 5x को भी आप RHS से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी अगेन साइन 5x कॉस 5x, और क्या एक टर्म है देखो कॉस 2x भी है। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो और एक टर्म है प्लस में, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर 5x और है साइन 2x। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या किया जाए, यहाँ देख रहे हैं आपको ये सिमिलर टर्म है, तो ये तो आपको सिंपली कैंसिल आउट कर दो। ओके, आपका रिमेनिंग टर्म क्या रह गया, ये। अब यहाँ अगेन देख रहे हैं दोनों साइड में आपका साइन 2x कॉमन है, तो सारे को क्या करते हैं LHS में ले आते हैं, सो दिस विल बी साइन 2x कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर 5x माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर 5x एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, सिंपली अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अब ये वाला टर्म को आपको कुछ याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो वी कैन राइट दिस एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो दिस विल बी, आप देखो तो आपको एक देखो एक टर्म मिल जाएगा साइन 2x इक्वल टू 0, है ना, तो इससे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है जो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, कितना सॉल्यूशन आपका फाइंड आउट होगा वो देखिए। तो यहाँ से एक आपका सोल्यूशन निकलेगा। दूसरा क्या है, साइन स्क्वायर 5x प्लस माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर 5x, इससे भी आपको सोल्यूशन निकलेगा, जैसे मैंने बताया वो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो वी कैन राइट दिस एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, ए प्लस बी कर दिया और एक आ जाएगा माइनस कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ देखो आपको सिंपली देखना है ये तीनों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, सिंपली एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, और यहाँ पर जो आपका इक्वेशन था सिंपलीफाई करके ये ले आए। अब यहाँ सॉल्यूशन आप निकालो, अब वो सॉल्यूशन का आपको लेना है जो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता हूँ, और काउंट करना है कितना सॉल्यूशन है, 5, 7, 6 जैसे ऑप्शन में गिवन है। ओके, नाउ अगेन हियर यू कैन सी, सबसे पहला वाला देखो
अगेन साइन थीटा इक्वल टू जीरो के टर्म में ना, तो वी कैन राइट दिस एज थीटा इक्वल टू एन पाई. अब थीटा आपका एंगल क्या है बताओ, 2x है ना, सो दिस विल बी 2x इक्वल टू एन पाई. तो यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, एन पाई बाई टू. ओके सो यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू कुछ पुटअप करते हैं, जीरो पुटअप कर सकते हैं, वन पुटअप कर सकते हैं. अब बताओ x की, n की वैल्यू जीरो पुटअप करते हैं तो x आपको जीरो आएगा, और क्या आ सकता है, वन पुटअप किया तो फाइव बाई टू. अगेन n की वैल्यू टू ले सकते हैं क्या, नहीं, वाई, बिकॉज यहाँ देख रहे पाई आ जाएगा ना, टू पाई बाई टू, तो पाई तो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज वही सारे सोल्यूशन को लेना है जो जीरो से पाई बाई टू के बीच में. तो ये दोनों सोल्यूशन ही आपका पॉसिबल है. ओके नाउ सॉल्विंग दिस, यहाँ पर देखो, सो वी कैन राइट दिस एज साइन फाइव एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस फाइव एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी अगेन, यहाँ देखो कॉस फाइव एक्स बाई साइन बाई कॉस कर दिया, सो दिस विल बी माइनस ऑफ वन, है ना. अब यहाँ बताओ टेन फाइव एक्स इक्वल टू माइनस वन आ गया ना, सो यहाँ देखो यहाँ टेन फाइव एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वन आ गया. ओके तो बताओ टेन कौन से वैल्यू पर माइनस वन आता है, आपको जैसे पता है थ्री पाई बाई फोर पर. अब यहाँ देखो आपको यहाँ पर सिंपली फिर से एक्स की वैल्यू निकालनी, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो दिस विल बी, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगेन ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया. अब क्या फॉर्मूला पड़े हो, जनरल सोल्यूशन दैट इज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा. तो यहाँ देखो थीटा की वैल्यू क्या है, फाइव एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा. अल्फा क्या है, थ्री पाई बाई फोर है. ओके तो यहाँ से आपको x निकल गया, यानी सोल्यूशन यहाँ से आप फाइंड आउट कर लिए क्या, एन पाई बाई फाइव प्लस थ्री पाई बाई ट्वेंटी. आई होप ये क्लियर है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, एन की वैल्यू कुछ पुट अप करते हैं, वन टू थ्री ऐसे करके, है ना, जीरो वन टू थ्री, देख लेते हैं क्या क्या सोल्यूशन आएगा. तो यहाँ बताओ एन की वैल्यू जीरो पुट अप की है तो ये तो फर्स्ट टर्म गया, तो आपका थ्री पाई बाई ट्वेंटी आएगा. ओके वन पुट अप किया तो यहाँ बताओ वन पुट अप किए तो क्या आएगा, फाइव बाई फाइव और प्लस थ्री पाई बाई ट्वेंटी. सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो पाई बाई फाइव आएगा और प्लस पी पाई बाई ट्वेंटी, सो दिस विल बी ट्वेंटी. एलसीएम लेते हैं, फोर पाई प्लस सेवन पाई बाई ट्वेंटी आएगा. तो ये दोनों वैल्यू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज जीरो से पाई बाई टू के बीच में. ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा. अब देखो आप टू पुटअप करेंगे एन की वैल्यू पर तो वो पाई बाई टू से ज्यादा आ जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा, तो वो वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों सोल्यूशन ही पॉसिबल है. अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. अगेन देखो इसको भी हम लोग साइन फाइव एक्स बाई कॉस फाइव एक्स इक्वल टू के फॉर्म में, जैसे ये वाला को सॉल्व किया ना, सिमिलरली इसको भी करें. सो दिस विल बी इक्वल टू वन. अगेन यहाँ देख रहे हैं ये फाइव एक्स है इक्वल टू क्या आ गया, टेन पाई बाई फोर. ओके सो यहाँ अगेन देखो आप टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के फॉर्म में आ गया, इट मीन्स दैट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा दैट इज एन पाई प्लस अल्फा यानी पाई बाई फोर. तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, n पाई बाई फाइव प्लस पाई बाई ट्वेंटी. आई होप ये क्लियर हो गया. अब अगेन क्या करना है, फिर से n की वैल्यू कुछ पुट अप करो, जीरो वन टू थ्री ये सारे, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. तो यहां बताओ जीरो पुट अप किया तो पाई बाई ट्वेंटी आएगा. ठीक है, अब वन पुट अप करो तो ये क्या आएगा बताओ, वन पुट अप किया फिर से आप एलसीएम लो, सो दिस विल बी फोर प्लस वन दैट इज फाइव पाई बाई ट्वेंटी. ठीक है, देखो वन पुट अप किया तो फिर से एलसीएम लिया तो ट्वेंटी और इधर पे फोर पाई और प्लस पाई दैट इज फाइव पाई. ओके और क्या है, अब टू पुट अप करते हैं. देखो टू पुट अप करते हैं यहाँ पर, सो दिस विल बी एट प्लस वन दैट इज नाइन पाई बाई ट्वेंटी. ओके तो यहाँ पर आप जो कैंसिल आउट हो रहा वो कैंसिल आउट कर दो. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर और कुछ वैल्यू पुट अप करते हैं ना, एन की वैल्यू थ्री पुट अप करते हैं तो वो पाई बाई टू से ज्यादा हो जाएगा. तो यही तीन सॉल्यूशन पॉसिबल है. तो इसमें आप काउंट करो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आ गया, जैसे आपको बोला गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है जो जीरो से पाई बाई टू के बीच में हो. तो यहाँ आप देखो तीन सॉल्यूशन मिल गया ना, ये वाले से आपको तीन सॉल्यूशन मिल गया, ये तीनों है ना. ठीक है, यहाँ से आपको दो सॉल्यूशन मिल गया और इधर पर भी दो, तो काउंट कर लिया तीन, ये हो गया फोर फाइव सिक्स सेवन, तो टोटल सेवन सॉल्यूशन आ गया. सो इफ यू सी द ऑप्शन देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ये वाला सेवन सोल्यूशन पॉसिबल है. ठीक है, तो ये आप देख लिए ना, थ्री
4, 5, 6, 7 आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8. ओके अगेन यहाँ देख रहे हैं आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है एंड दीज आर दी ऑप्शंस. ओके सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. हियर यू कैन सी अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ है ना ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c इस फॉर्म में है ना. तो जैसे मैंने ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन का एक अप्रोच बताया था ना वही मेथड से आपको अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है. I think I have discussed in question number 2 ये वाला A और B को जैसे लेट किए थे तो यही वाला मेथड से आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है तो ये मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हूँ. ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो या आप खुद से सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है. ठीक है ना सेम एज मैं लिख देती हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है तो ये आपका होमवर्क रहेगा ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8. ओके तो ये आप ऑप्शन बताओ कि कौन सा सही है और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो मैं इसका आपको सलूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी. ओके सो एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करना एक बार ट्राई जरूर करना कि बन रहा है या नहीं. जैसे मैंने बताया ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है तो आप आई विल से डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा. ओके और ऑप्शन बता देना कमेंट में जो सॉल्व करोगे वो लोग. ठीक है सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये कैसे सॉल्व करना है. ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. देखो आपको एक इक्वेशन गिवन है आपको पॉजिटिव एंगल फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट एंगल. तो यहाँ पर आपको पता है जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होगा. सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालो यानी एंगल फाइंड आउट करो. So, उसके बाद एन की वैल्यू 0 पुट अप करो तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही ऑप्शन होगा आंसर. ठीक है ना सो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो हाउ टू सॉल्व दिस. ओके तो साइन को आप लिख सकते हो ना 1 cos² x. ठीक है और प्लस में क्या है √3 cos x + 1 = 0. ओके तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 2 cos² x और प्लस में क्या है √3 cos x + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. ओके सो यहाँ देखो सारे टर्म को क्या कहते हैं RHS में ली जा सकते हैं. सो दिस विल बी 2 cos² x है ना माइनस ऑफ √3 cos x और यहाँ देखो प्लस 3 है और तो RHS में चला जाएगा तो माइनस ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 0. ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आ गया ना इट इज इन टर्म्स ऑफ cos. तो या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूल अप्लाई करो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड या तो फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर भी कर सकते हो. सो वी कैन राइट दिस एज 2 cos² x माइनस ऑफ 2 √3 cos x. ओके एंड प्लस √3 cos x. ओके और इधर हो जाएगा ये माइनस ऑफ √3 आ जाएगा ना मिडिल टर्म और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 = 0. सो नेक्स्ट है व्हाट यू हैव टू डू सिंपल हम लोग 2 cos x कॉमन ले सकते हैं और आपका रिमेनिंग बन जाएगा cos x माइनस ऑफ √3 एंड फ्रॉम दिस वी कैन टेक √3 एज कॉमन. सो दिस विल बी cos x एंड माइनस ऑफ √3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ क्या हो जाएगा cos x माइनस ऑफ √3. ओके एंड द नेक्स्ट इज 2 cos x प्लस √3. ओके 2 cos x प्लस √3 इक्वल टू 0. नाउ हियर यू कैन सी आपको यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा यानी आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा एक मिलेगा cos x इक्वल टू √3 और एक मिल गया cos x इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2. ओके नाउ हियर अगेन हियर यू कैन सी cos x इक्वल टू √3 आया है यानी cos का कौन से एंगल पर ये √3 आता है वैल्यू. कोई ऐसा एंगल पॉसिबल ही नहीं है कि उसका वैल्यू √3 आए तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके तो ये हम लोग को सॉल्यूशन कंसिडर नहीं करेंगे इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ हियर यू कैन सी cos x इक्वल टू माइनस और √3/2 ये तो पॉसिबल है बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो दैट 5 π/6 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है माइनस और √3/2. तो यहाँ पर देख रहे ना इट इज इन द फॉर्म ऑफ ये वाला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में आ गया. अब बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते थे थीटा इज इक्वल्स टू 2 n π + α. ठीक है
अल्फा क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, एंगल है एक्स इक्वल टू टू एन पाई, अल्फा की वैल्यू है प्लस फाइव पाई बाई सिक्स। ओके सो दिस इज द आंसर। देखो अगर क्वेश्चन में बोला जाता है जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करो तो ये आंसर हो जाता। आपको बोला क्या गया है स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल क्या होगा, एन इक्वल टू जीरो सिंपली पुट अप करो, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके इफ यू सी द ऑप्शन, यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ओके ऑप्शन नंबर ए, ओके दिस इज द आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे व्हाट यू हैव टू डू, सिंप्लीफाई करो, देख रहे हो आइदर कॉस थीटा जो भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं उसके फॉर्म में ले आओ, उसके बाद तो आपको जनरल सॉल्यूशन याद हो गया होगा। उसके बाद एज पर क्वेश्चन आइदर आप उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा गया है या जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है या फिर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा गया है, वो सारी चीजें आप देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो ये देख लो आप क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके एंड दीज आर दी ऑप्शन, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है इसलिए मैं इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आप देखो ऑप्शंस में देख रहे हो ना, तो यानी कि आपको क्लियर हो रहा होगा आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओ सिंपल है, ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, 1/4 है। ओके नाउ हियर यू कैन सी दिस इज साइन स्क्वायर एक्स एंड 1/4 वी कैन राइट दिस एज 1/2 होल स्क्वायर। ओके अब बताओ साइन एक्स की वैल्यू कब 1/2 होती है, 30 डिग्री पर यानी कि पाई बाई सिक्स पर। तो वी कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स होल स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब बताओ ये आपको याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा के फॉर्म में है। सो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, यहाँ एल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई सिक्स है। तो यहाँ पर आप देखो जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का अगर बोले तो x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके इफ यू सी द ऑप्शन, यहाँ पर आप देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ऑप्शन नंबर सी दिस वन वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल आई मीन टू से इंटीजर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो देख रहे हैं ये भी, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सिंपल आपका देख रहे हो फॉर्मूला पे बेस्ड था जो आपने देखा था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा वाला, डायरेक्ट हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको पाई बाई सिक्स यहाँ से मिल गई थी। ओके आई होप सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी मैंने आपको बताया आपको क्लियर हो गया होगा, 10 क्वेश्चन थे और जितने भी मैंने आपको अभी तक जनरल सॉल्यूशन स्टार्टिंग वाले में बताया वो आप देख लो, वो याद हो जाना चाहिए। अभी तक याद नहीं हो रहा है तो एक बार देख लो और खुद से एक बार कॉपी में लिख लेना आपको, सो डैट याद हो जाए। और जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद याद हो ही जाएगा, है ना, वैसे कोई बात नहीं है। और बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 21, तो वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस रहेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अभी तक आप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करा आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 21, ये सारे क्वेश्चंस का एक नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस रहेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम पर इंस्टा पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ओके और इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद मैं स्टैटिस्टिक्स करा दूंगी, एक स्टूडेंट का कमेंट था स्टैटिस्टिक्स वो बोल रहा था तो मैं वो करवा दूंगी, ठीक है ना। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, और अभी तक अगर आपने किसी को अपने फ्रेंड या ग्रुप में शेयर नहीं किया तो जरूर से शेयर कर दो सो डैट उनको भी हेल्प हो जाए। ओके सो दैट्स ऑल, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, एक ये वाला नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा सेकेंड पार्ट इसका। सो दैट्स ऑल, बाय एंड कीप प्रैक्टिस।